चलिए सर, नए लेक्चर में आ गए अपन जल्दी से भागते हुए। एक्चुअली मैं तो इधर ही बैठा हूँ, आप लोग के लिए नया लेक्चर है। अपन जा रहे हैं नए टॉपिक पे। नए टॉपिक के पहले ये हॉलीडे वाला क्वेश्चन मैंने कुछ कराया नहीं लगता मेरे को। हॉलीडे एंड लीव वेजेसेस मैंने आपको ऑलरेडी समझा के रखा है। अगर बेटा आपको हॉलीडे मिलता है, वो हॉलीडे एक्चुअली में अगर वो हॉलीडे आपका पेड रहता है तो अपन नॉर्मली इसको क्या मानते हैं, हॉलीडे या फिर लीव मिलता है आपको तो अपन इसको क्या मानते हैं, नॉर्मली नॉर्मल मानते हैं। नॉर्मल मान के कैसे क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, जो अपना रेट पर आर रहता है, अपन ने ऊपर सीखे थे इसको, क्वेश्चन में आया था, टोटल जो कॉस्ट लग चुका है मेरे को ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। एक्चुअली इसे आइडल टाइम नहीं माना गया, इसलिए अलग से टॉपिक दिया हुआ है, जो मुझे लगता है बिल्कुल ही भैया तरीका है, क्योंकि बेटा ये पेड है मेरे को तो नॉर्मल ही है। आइडल घर पे इंसान बैठा हुआ, पैसा तो मिल रहा है, पैसा तो मिल रहा है, आइडल बैठा हुआ है, लीव है तो आइडली बोलेंगे ना अपन, जिसमें पैसा दे रहा हूँ लेकिन काम नहीं मिल रहा है, तो भी लोग ने अलग से दिया। सीधा से क्वेश्चन कराता, 10 मिनट का है, 2 मिनट का है, बेसिक पे ये दिए दिया तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 14,000 रुपये इंटू 12 कर दूंगा तो एनुअल मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ईयर के हिसाब से डेटा दे। उसके बाद में 300 दिन है, उसमें 20 दिन उसने आज एवरेज हॉलीडे ऑन फुल पे इन अ ईयर अज्यूम डे ऑफ 8 आवर्स, सीधी सी बात है मेरे को तो 300 दिन है माइनस 20 घंटे 20 दिन तो 280 बचे, तो 280 इंटू 8 कर दिया तो 2200 वो बच गया। टोटल पे के उसने इंटू क्या कर दिया, तीनों को मल्टीप्लाई और उसका आर रेट डिवाइड किया, ये कर दिया। सर मैं इसको टफ बनाता हूँ, मैं इसको टफ बनाता, ही टुक 15 मोर हॉलीडेज विदाउट, नहीं He took 15 more holidays, ऐसा लिखो, on sick leave, नहीं ऐसा लिखो, He was granted 15 more holidays due to corona of which full payment is made। अब सर मजा आएंगे क्वेश्चन करने में। अब क्या दिया है, उसको ग्रांट हुई 15 मोर छुट्टियां, ग्रांट हुई है उसको पक्का, और उस 15 मोर छुट्टियां देनी पड़ी, उसमें पूरा का पूरा पेमेंट भी हुआ। अब मेरे को बताओ, बंदा आइडल बैठा हुआ है, ये ऊपर तो कंपनी ने डिसाइड करके दी थी कि 20 दिन उसने छुट्टी लेंगे एज ऑफ हॉलीडे ऑन फुल पे इन अ ईयर, पर मेरे को बताओ क्या ये नॉर्मल है कि ये एबनॉर्मल है, क्या ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है बेटा, ये एबनॉर्मल है, ये क्या है, एबनॉर्मल है। अब ये वाली छुट्टियां आप लोगों को पर्टिकुलरली कॉस्ट से भी माइनस करनी पड़ेगी और यहाँ से माइनस करनी पड़ेगी, मतलब कि अब जो आंसर निकलेगा वो अभी भी कितना निकलेगा, ये 75 ही निकलेगा, लेकिन इनटू 15 डेज की 8 घंटे के हिसाब से इतना जो भी आएगा वो कहाँ चले जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। सर क्यों जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल में, क्योंकि ये आपका एबनॉर्मल रीजन की वजह से है। जैसे अपने ऊपर आइडल टाइम का पढ़े थे नॉर्मल और एबनॉर्मल, ये सेम तरीके से वैसे ही होने वाला है। एक बार ये रीड आउट कर लेंगे, इसमें आपको अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगी कि इसको आप डिपार्टमेंटल ओवरहेड वगैरह में भी डाल सकते हैं, तो वो सब कुछ फालतू है, ऐसा कुछ अपन करते नहीं है, ये नॉर्मल जो सिंपल क्वेश्चन है उसी तरीके से करा करो पक्का। उसके बाद में ये अच्छा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को नाइट शिफ्ट के लिए अलाउंस मिल रहा है, बात समझना, अगर किसी को नाइट शिफ्ट कर रहा है, कोई बंदा ओवर टाइम कर रहा है, उसको नाइट शिफ्ट के लिए कोई अलाउंस मिल रहा है, पैसा नहीं बोल रहा, अगर कोई अलाउंस मिल रहा है तो एक्स्ट्रा पेमेंट वो जॉब के लिए ना मानते हो, पर्टिकुलर जॉब के लिए ना मानते हो, उसको क्या मानूंगा मैम, ओवरहेड मानूंगा, उसको क्या मानूंगा मैम, ओवरहेड मानूंगा। ये सिर्फ थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है, लॉजिकल भी है, देखो तो रोज रोज रखा नाइट शिफ्ट होती क्या, नहीं कभी कभी होगी। अब नाइट शिफ्ट में जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी अलाउंस के नाम पे, अलाउंस मतलब कैसा, कि बंदे को अपन ने गाड़ी दे दिए, बंदे के लिए कुछ खाना मंगा लिए, कुछ भी चीज़ होगी, अलाउंस दे दे उसको, या फिर कोई एक्स्ट्रा पैसा दे, सॉरी अलाउंस मतलब मॉनेटरी बेनिफिट होता है, ये तो परक्विजिट की बात कर रहा मैम, अलाउंस मतलब कुछ 500-600 रुपये एक्स्ट्रा पैसे दे रहे कि कैब सर्विसेज के नाम पे कुछ भी, तो इवन दो डायरेक्ट एक्सपेंस है तो भी उसको मैं ओवरहेड मानूंगा। सर इसका रीज़न, रीज़न इस तरीके की बार बार होने वाला नहीं है, तब बार बार नहीं होगा, अगर मैंने इसको प्रोडक्ट में ऐड कर दिया तो हमेशा ऐड होना चाहिए प्रोडक्ट में, तो
पर सर हमेशा होने वाला है क्या? नहीं सर, हमेशा ही होने वाला नहीं है, इसलिए उसको मैं क्या मानता हूँ, ओवरहेड मानता हूँ। इसलिए उसको क्या मानता हूँ मैम, ओवरहेड मानता हूँ। पक्की बात? चलिए हो गया, मेरे को सिर्फ इतना ही समझाना था। ये फॉर्मूला तो अपन बचपन से यूज करते आ ही रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी दिक्कत होगा। इफिशियंसी क्या होता है सर? इफिशियंसी रेटिंग प्रोसीजर किस तरह से होती है मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो मेरे को स्टैंडर्ड टाइम है, मेरे को स्टैंडर्ड टाइम अलाउड है 100 आवर्स, मेरे को अलाउड है कितना 100 आवर्स। मैंने 70 घंटे में काम निपटा दिया, 70 आवर्स में मैंने काम निपटा दिया। मैंने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? सर 100 घंटा था, 70 में निपटा दिया, सर अच्छा काम किया। तो मेरी इफिशियंसी कितने परसेंट थी? मेरी इफिशियंसी कितने परसेंट थी? तो सीधी सी बात है, तो 100 घंटे, क्योंकि सर मेरे को तो अच्छा है, मैंने बड़ा नंबर ऊपर 70 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 70। फॉर्मूला समझ में आया? पक्की बात? तो मैं एक कैलकुलेटर निकाल लेता, 100 डिवाइडेड बाय 70 और सर कर दो परसेंट का साइन, तो आपका आ जाएगा 142%। मतलब आपने कितने परसेंट इफिशियंसी में काम किया? 142। मान लो मेरे को 100 घंटे मिले थे, मैंने 100 घंटे में ही काम किया, मतलब मेरी इफिशियंसी कितनी है? 100% है। मेरी इफिशियंसी कितनी है? 100% है। मान लो मेरे को 100 घंटे मिले थे, मैंने 120 घंटे में काम करके दिखाया। जब मिले थे 100 घंटे, किया कितने में? 120 घंटे में। तो 100 डिवाइडेड बाय 120। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि कब 100 से ज़्यादा, बोल के सोचोगे तो हमेशा है, पर 100 मिले थे 120 घंटे में करके दिखाया, मतलब 100 से कम है इफिशियंसी। तो फॉर्मूला अपना बन जाएगा कि बड़ा नंबर नीचे, बड़ा नंबर नीचे, क्योंकि तो आपको 100 से कम लाना है। वही अगर ऐसा रहा तो आप ये ओरली सोच के फॉर्मूला बना सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। पर सर मैं ये आर्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ये किसके हिसाब से बात कर रहा मैं? आर्स। जब जैसे ही मैं आउटपुट के हिसाब से आ जाऊँगा तब कुछ उल्टा हो जाएगा। मेरे को स्टैंडर्ड आउटपुट बोला था 50 करना है, मेरे को बोला था कितना 50 करना है, मैंने एक्चुअल में 60 निकाला। सर मेरे को बताओ क्या मैंने अच्छा किया कि बुरा किया? अब 100 से ज़्यादा मेरा इफिशियंसी तो क्लियर है सर कितनी, लेकिन यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाय 50, यानी इसमें बड़ा नंबर फिर ऊपर। तो फॉर्मूले आपको सोचने पड़ेंगे, आपको कोई फॉर्मूला दिया नहीं है okay, लेकिन तो भी निकालना है तो ये दो फॉर्मूले दिए हुए हैं। इफिशियंसी परसेंट अगर आर्ली बेसिस है तो SH अपॉन AH से निकाला जाता है, और अगर आउटपुट के हिसाब से है तो एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। तो भी पर मेरी मानोगे तो फॉर्मूले याद करने की कोई नीड नहीं है, ओरली बोलने का ट्राई करो अपने आप समझ में आ जाएगा, समझ में आ रहा है? पक्की बात? आगे बढ़ू? चलिए पहले बहुत सारा हुआ करता था इस पर, अब कुछ है नहीं, तो अपन डायरेक्टली आ जाते हैं एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर रेशियो। एम्प्लॉय यानी लेबर टर्नओवर रेशियो। अब इसका अगर डेफिनेशन से बात करूं मैम, बहुत सिंपल सी है। लेबर टर्नओवर ये एक रेट है ऑफ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय फोर्स, मतलब कि जितने आपके एम्प्लॉय फोर्स थे ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड मेजर अगेंस्ट सूटेबल इंडेक्स। मतलब कि मान लो आपके पास में 100 लोग थे, उसमें से 5 को आपने निकाल दिए, तो आपका लेबर टर्नओवर रेशियो क्या हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस सीखते हुए कंपोजिशन में सर 5% का, सर 5% का, तो 5% ही आपका क्या है, लेबर टर्नओवर रेशियो। आपका 5% भी क्या है, आपका लेबर टर्नओवर रेशियो। बात समझ आया सर? ये क्यों करा जाता है? मेरे को देखो, एक कंपनी को हायर करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं सर। कैसे? वैसे सर इंटरव्यू लेने के लिए पैसे लगते, सर इंटरव्यू जहाँ होता है उसके लिए पैसे लगते। अगर कोई कंपनी में बहुत ज़्यादा लेबर टर्नओवर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों को निकाला जा रहा है फिर हायर किया जा रहा है, तो कंपनी को देखना पड़ेगा कि उसकी हायरिंग पॉलिसी किस टाइप की है। इसलिए ये चीज़ यूज़ होती है। बात समझ में आ रही है? तो क्यों यूज़ होती है ये चीज़, कि अगर कंपनी को लगता है कि नहीं उसकी हायरिंग पॉलिसी काफ़ी ख़राब चल रही है, फिर काफ़ी अलग चल रही है, तभी ये सारी चीज़ों का यूज़ में आता है, ये सारी चीज़ें यूज़ में आती है। पक्की बात समझ में? तो सर इसमें नॉर्मली आपको 4 फॉर्मूले दिखने पड़ेंगे। एक है रिप्लेसमेंट मेथड से, एक क्या है रिप्लेसमेंट मेथड, 10 मिनट का काम है बस। एक है सेपरेशन मेथड और एक है फ्लक्स। आपने तो 4 बोले सर, फ्लक्स में दो फॉर्मूले, मैं आपको दोनों बताऊंगा। ये फ्लक्स तीसरा दिया है, चौथा दिया नहीं है आपको, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले रिप्लेसमेंट सर, रिप्लेस करना मतलब क्या होता है, अब थोड़ा ध्यान से समझना। रिप्लेस कर रहे हैं अपन यहाँ पे किसी बंदे को, अपन क्या कर रहे हैं, किसी को रिप्लेस कर रहे हैं। मान लो कि एक बंदा छोड़ के गया,
एक बंदा छोड़ के गया, क्या उसकी जगह कोई नहीं आया, तो क्या वो रिप्लेसमेंट है क्या? नहीं, वो रिप्लेसमेंट नहीं है। बात समझ में आ रही? अगर मैं आज कॉस्ट के पढ़ाई, मैं कॉस्ट पढ़ाना छोड़ के जाता हूँ, अगर मेरी मेरी ये अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी और को एम्प्लॉय करती है तो मेरा रिप्लेसमेंट हुआ। अगर मैं छोड़ के गया और मेरी कंपनी ने किसी को ऑफर ही नहीं किया, तो क्या वो रिप्लेसमेंट है क्या? सर वो रिप्लेसमेंट नहीं है, वो सब रिप्लेसमेंट नहीं है। बात समझ में आ रही? तो ये दिस मेथड टेक्स इनटू कंसीडरेशन एक्चुअल रिप्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिप्लेसमेंट, मेरा रिप्लेस होना जरूरी है। इरिस्पेक्टिव ऑफ पर्सन लीविंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि मान लो मैंने अपने यहाँ से 100 लोगों को निकाला, लेकिन 40 लोगों की जगह किसी और को लेके आया, 40 जगह की के हिसाब से किसी और को लेके आया, तो बेटा मेरे को बताओ कि मैंने रिप्लेस कितने किए? सर मैंने सिर्फ 40 रिप्लेस किए। मैंने सिर्फ कितने रिप्लेस किए? मैंने सिर्फ 40 रिप्लेस किए। बात समझ में आ रही है? बात पक्का घुसा दिमाग में? तो सर रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला हुआ, सर मैंने 40 को रिप्लेस किया, और सर डिवाइड किससे करूँ? सर मेरे पास ओपनिंग में जितने लेबर थे उससे करूँ कि क्लोजिंग में जितने लेबर थे उससे करूँ? सर एवरेज ले लूँ ना। सर वही है, सर एवरेज और नंबर ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग द रोल। बात समझ में आई? पहला रिप्लेसमेंट हुआ, सर दूसरा सेपरेशन। सर सेपरेशन वही ऊपर, मैंने 100 लोगों को निकाल दिया, मैंने 100 लोगों को निकाल दिया, अब कितने रिप्लेस हुए ये मैटर नहीं करता, पर 100 को निकाला तो सेपरेशन मैंने 100 को निकाला उस बारे में बात करता है, पक्की बात। सर तीसरा फ्लक्स, सर फ्लक्स क्या है? सर फ्लक्स क्या है? सर फ्लक्स नॉर्मल सी बात करता है मेरी, सर फ्लक्स मेरी क्या बात करता कि कितने सेपरेट हुए प्लस कितने रिप्लेस हुए। एक चीज़ थोड़े से क्लैरिफाई कर दूँ मैम, सर यहाँ पे जब सेपरेशन की बात करेंगे, जब मैं सेपरेशन मान लो कि 100 है उसमें 40 को रिप्लेस किया गया, तो मैंने अपने से सेपरेट कितनी पोस्टों को किया? बस 60 को सेपरेट किया, तो सेपरेशन में बस ये 60 आएगा, पूरा 100 आने वाला नहीं है। मैं शायद ऊपर थोड़ा उलग बोल दियाऊंगा, ये बात समझना। मान लो कि मेरे यहाँ पे कंपनी में 1000 लोग हैं, मेरी कंपनी में 1000 लोग हैं, मैंने 100 लोगों को निकाल दिया, मैंने 100 लोग मान लो कि मैंने 100 लोगों को निकाल दिया, ये 100 की जगह मैंने थोड़े हायर प्रोफेशनल के 60 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, मैंने 60 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, मतलब रिप्लेस कितने हुए मेरे? तो ये 60 लोग हुए। सर लेकिन 40 लोगों तो मैंने अपने यहाँ से अलग कर दिया ना, अलग तो 100 को किया, लेकिन वो पोस्टेज कौन सी अलग कर दिए? 40 लोगों। तो सेपरेशन कितना है बेटा? बस 40 का है। सेपरेशन कितना है? बस 40 का है। लॉजिक समझा? पक्का? तो सर अगर मैं आपको याद कराने के लिए बोलूँ ना, याद तो आपको हो जाएगा, नॉर्मली एग्जांपल से याद हो जाएगा, आपको याद करना पड़ेगा। सर याद कैसे करोगे? सर जितने भी एम्प्लॉय थे जिसको भगाया, ऐसा बताओ, मान लो इस 100 को भगाया, 100 में से 40 को मैंने रिप्लेस किया, मतलब बचा हुआ क्या रहेगा तुम्हारा? सेपरेशन रहेगा। बचा हुआ क्या रहेगा? सेपरेशन रहेगा। पक्का? बचा हुआ क्या रहेगा? सेपरेशन रहेगा। सर फिर फ्लक्स क्या है? सर एडिशन है। सर सेपरेट क्या हुआ मेरे को ये भी पता करना है। सर रिप्लेस कितने हुए? सर सब कुछ कर क्यों रहे? सर ये नाटक क्यों कर रहे? सर पहले ये बताओ, सर तब नाटक की ज़रूरत ही क्या है? सर नाटक की ज़रूरत इसलिए कंपनी अपनी प्रोसीजर बना सके, कंपनी क्या बना सके? अपनी प्रोसीजर। कि सर किस टाइप की? सर मेरे को बताओ, मेरे को कंपनी में कंट्रोल रखना है, सर मेरे को पता करना है, सर मेरे को पता तो होना चाहिए कि मैं कितने रिप्लेस करता साल भर में, कितनों को भगा देता हूँ, किसी को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं देता, मतलब कि कंपनी में ऐसी अगर तो जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी तो आती ही नहीं और चेंजेस ही नहीं होते, मतलब कि कोई कोई जगह वैकेंट पड़ी हुई है तो सालों से पड़ी हुई, उसकी जगह कोई आया ही नहीं, तो ये भी पता होना चाहिए बेटा उसकी जगह में कोई आया कि नहीं आया। सर अगर आया तो कितने परसेंट रिप्लेसमेंट हुए, कितने परसेंट सेपरेशन हुए? बात समझ में आ रही है? पक्की बात? तो बेटा फ्लक्स का ये सिर्फ टोटल है। फ्लक्स में दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं? फ्लक्स में दो फॉर्मूले हैं, एक है सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट, और डिवाइडेड बाय तो वही एवरेज होने वाला है क्योंकि मैं ओपनिंग लूँ क्या क्लोजिंग लूँ, इससे अच्छा मैं क्या ले लूँ? एवरेज ले लूँ। एक है सेपरेशन का प्लस रिप्लेसमेंट, ये हुआ। सर फ्लक्स एक और फॉर्मूले में बात करता, कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है मैंने वो पोस्ट के लिए नहीं मंगाया, मैंने 100 लोगों को भगाया, उसमें से 40 का रिप्लेसमेंट लिया, 60 को भगा दिया, सर लेकिन मैंने कोई और ब्रांच खोला, तो मैंने कोई और ब्रांच के लिए या फिर कोई और चीज़ के लिए मैंने नई पोस्ट निकाली, वो पोस्ट में मैंने नए लोग लेके आया, मैंने कुछ नए लोग लेके आया, तो इससे भी तो मेरा कंपोजिशन चेंज होगा, इससे भी तो मेरा कंपोजिशन चेंज होने वाला है। तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि भाई तेरे सेपरेट कितने हुए प्लस रिप्लेस कितने हुए प्लस न्यूली ज्वाइन कितने हुए। लॉजिक समझो कि मेरे को तो
प्लक्स पहले क्या बोलता था भाई, रिप्लेस कितने हुए प्लस सेपरेट कितने हुए ये देख लो। लेकिन कुछ लोगों ने बोले कि भाई ठीक है, जिनको मैंने सेपरेट कर दिया उनको वापस लेके नहीं आया, लेकिन उनकी जगह पे भी किसी को लेके नहीं आया, तो कोई नई पोस्ट आ गई मेरी कंपनी में और उसके लिए मैंने न्यूली ज्वाइन किया, तो ये हो सकता है। तो एक प्लक्स ने वापस से फॉर्मूला निकाला कि जितने सेपरेट हुए प्लस जितने रिप्लेस हुए प्लस न्यूली ज्वाइन। और सर एक नया वर्ड डाला गया ये रिप्लेसमेंट और न्यूली ज्वाइन के लिए, अक्सेशन। नया वर्ड क्या डाला गया? न्यूली ज्वाइन और इसके लिए अक्सेशन। बस समझ मैम, तो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। पहला फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है कि जितने सेपरेट हुए प्लस जितने रिप्लेस हुए उसको, पर नया रिक्रूटमेंट भी हो सकता था कंपनी में, नया रिक्रूटमेंट भी हो सकता था। तो ये रिक्रूटमेंट की वजह से फर्क क्या पड़ता कि भाई कोई नई पोस्ट आ गई तो कंपोजिशन तो तब भी चेंज हो। तो नया फॉर्मूला क्या है, रिप्लेसमेंट प्लस सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट प्लस न्यू ज्वाइनिंग। और सर ये नया वर्ड इसको, इस दोनों को ऐड करके क्या बोला जाता है, अक्सेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अक्सेशन। और सर एवरेज कैसे निकालते हैं? अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैं हमको नहीं आता, तो ये लो तुमको ये भी फॉर्मूला आईसी ने छाप के दिया हुआ है, तो मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता, तो एक नंबर का वाहियात है। तो उसके साथ में फिर एक और होता है, ये आपको एग्जाम में मिल जाएगा सर, इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट। इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट ये कहता है, अगर कोई अबो कैलकुलेशन में इफ द डेटा इज गिवन फॉर अ पीरियड अदर देन अ ईयर, मेरे को ईयर का डेटा नहीं है, ईयर का डेटा दिया हुआ नहीं है, तो उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ एनुअल टर्नओवर में। किस तरीके से? कि जो भी मेरा रेट आएगा फॉर से कि मेरा मंथ में है तो मंथ में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। मेरा 5% आया तो 5% डिवाइडेड बाय 30 × 365 कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। सर इसका प्रैक्टिकल सर अपन करके देखते हैं, 5 मिनट दो क्वेश्चन करके देखते हैं। पक्की बात सर, क्या क्या पढ़े सर, क्या क्या पढ़े सर? सबसे पहले रिप्लेसमेंट सर, फिर सर सेपरेशन, फिर सर अपने पढ़े फ्लक्स। सर फ्लक्स में दो पढ़े ना सर, एक फ्लक्स क्या होगा सर? रिप्लेसमेंट प्लस सेपरेशन। सर ये क्या होगा सर? इधर सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट प्लस एक और चीज़ आ जाएंगे न्यू ज्वाइनिंग। सर फॉर से ये 3% आया, सर फॉर से 5 आया, तो इसका आंसर कितना होगा? सर फॉर ऑब्वियस इसका कितना आएगा? 8 ही आएगा। और सर ये नहीं है तो इसका कुछ और आएगा, पता अपन को पता चल जाएगा कि कौन सा फ्लक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर इन दोनों का टैली होकर इतना आ रहा है फ्लक्स, मतलब ये आला है, अगर ये आला है तो ये नहीं है। बात समझा सर? फॉर्मूला सर, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज, सर नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज, सर इसमें डिवाइड बाय एवरेज, इसमें डिवाइड बाय एवरेज, और इनटू 100 करना है क्योंकि मेरे को आंसर किसमें चाहिए? परसेंटेज में चाहिए। बात खत्म। सर क्वेश्चन करते, नया अकाउंटेंट है, उसने क्वार्टर के लिए निकाला, तो अपन लेबर वो निकालेंगे। सर 10, 5 और 3, एक किसमें? ये 10 वाला फ्लक्स में है, 10 वाला फ्लक्स में है, रिप्लेसमेंट वाला 5 है और फिर सेपरेशन वाला, अब मैं कहता हूँ इन दोनों का ऐड कितना होगा? 5 + 3 = 8, सही कितना है? 10। मतलब कि इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज किया है? बाजू वाला किया है। इफ द नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस 30, फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्कर फॉर द क्वार्टर। सर इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही बच्चों वाला। सर रिप्लेसमेंट दे दिया 30 का, सर रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज इनटू 100 इक्वल टू कितना परसेंट दिया हुआ है? 10% सॉरी 5% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5%। तो इसको काम करते अपन 5 / 100 कर देते, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, या फिर एक काम करते हैं, तो एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है इस तरीके से होता, और यहाँ पे 5% है यानी 5/100 ऐसा कर देते हैं। ये दिया हुआ है आपको, और इस तरह से के फॉर्मूला बना, या फिर इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ पे 5% आ जाता, तो 5/100 तो इंटू 100 करना पड़ता, वन ऑफ द सेम थिंग। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 30 × 100 / 5 ये आया 600, मेरा भी आ गया। तो ठीक है, अब मेरे पास हर चीज़ आ सकती है सर, मेरे पास बहुत ईजिली मैं निकाल सकता सर, रिक्रूटेड एंड जॉइन लेफ्ट एंड डिस्चार्ज और इक्विवेलेंट टर्नओवर रेट। अब तक कैसे निकालूंगा? एवरेज मिल गया, तो रिक्रूटेड एंड जॉइंड, रिक्रूटेड एंड जॉइंड का मतलब होता है कि न्यू ज्वाइनिंग कितनी आई सर, न्यू ज्वाइनिंग कितनी आई, तो सर सेपरेशन प्लस अक्सेशन, यही फॉर्मूला है मेरा, सेपरेशन प्लस अक्सेशन। सर कितना है मेरा ये? 10%। सर तो 10 / वो कर दिया मैंने, अब सर क्वेश्चन क्या दिया हुआ मेरे को? 18। एक सेकंड रुको, पहले मैं सेपरेशन निकाल सकता हूँ, इसको मैं पहले नहीं निकालूंगा, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है सर, पहले सेपरेशन निकाला जाएगा। सर ऐसा क्यों?
क्योंकि जब तक कि मेरे को सेपरेशन पता नहीं चलेगा, ये 18 पतंजलि का फॉर्मूले में मैं अप्लाई नहीं कर सकता ऑक्सीडेशन के लिए। बात समझ में आ रहे? सबसे पहले मैं ये निकालूंगा। तो ये कैसे निकालूंगा मैं? तो सेपरेशन का मेरे को फॉर्मूला दिया हुआ है कि वो 3% होता है 3/100, और यहाँ पे मैं ले लूंगा एस डिवाइडेड बाय 600। तो 600 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100, तो ये वन दा सिक्स ये आ जाएगा 18। तो सेपरेशन कितना आ गया 18। तब से मैं यहाँ पे कर सकता हूँ सेपरेशन प्लस ऑक्सीडेशन का फॉर्मूला डिवाइड बाय एवरेज इंटू ये 10% दिया है तो 10/100। सेपरेशन पता है 18 है, ऑक्सीडेशन नहीं पता तो एक्स ले लो, ये पता है 600 10/100। तो ये क्या हो जाएगा 1/10 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 18। तो इसको करोगे तो आपका ये जो भी आ रहा है आपका 42 आ जाएगा। बात समझ में आई? इजी लगा सब? वैसे अब इक्विवेलेंट टर्नओवर रेट निकालना है तो ऊपर को पता है क्वार्टर के लिए दिया था। तो किस लिए दिया था? क्वार्टर के लिए। फ्लक्स कितना था? 10% था सर। कितने क्वार्टर होते मेरे? 1/1, और साल भर में कितने होते? 4। तो कितना हो जाएगा 40%। सर इसको अगर आपको वैसा करना है डेज वाला, तो देखो 10% डिवाइड बाय एक क्वार्टर में कितने दिन होते सर? क्वार्टर मतलब कि 3 महीने का 30+31+30 तो ऑलमोस्ट 40% नहीं आएगा, पर आजू बाजू होगा क्योंकि अपने मंथ अलग अलग होते हैं। 91 इंटू 365, तो 365 डिवाइडेड बाय 91, और सर इसको इंटू कर दो 10 से, तो मोटा मोटी आपका 40.10 को चाह रहा होगा परसेंट। तो आपका मोटा मोटी वैसा भी आ सकता है अगर आपको डेज के हिसाब से करने हैं। तो अगर आपको मंथ के हिसाब से करने हैं तो डिवाइडेड बाय ये परफेक्ट आएगा। तो एक क्वार्टर में 3 महीने और साल भर में कितने? 12। तो 1 ये 4 तो कितना हो जाएगा 40%। कितना हो जाएगा 40%। तो सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं आएंगी, समझा क्या? तो वैसे रिप्लेसमेंट तो 1/12 या फिर इसको 3 × 12 भी कर सकते हो। तो आप लेबर टर्न उस तरह से निकाल सकते हो। सर कॉजेज क्या हो सकते हैं? पर्सनल रीजन, अनअवॉइडेबल और अनअ। सर पर्सनल क्या है? अपने जॉब चेंज कर दिए, रिटायरमेंट ले लिए, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, भाई मेरी फैमिली शिफ्ट हो गई, बीवी प्रेग्नेंट हो गई, कुछ भी जॉब छोड़ दिया, उसका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगा। उसके बाद अनवॉइडेबल सीजनल नेचर, पटाखों की दुकान भगा देते लोगों को, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, कोरोना आ गया, लोकेशन अच्छा नहीं है, डिसेबिलिटी है। अवॉइडेबल क्या है? डिससेटिस्फेक्शन है, रिलेशनशिप में स्ट्रेन आ रही है, ट्रेनिंग नहीं हुई है, रिक्रिएशनल मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही, वेजेस नहीं मिल रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फालतू का कभी एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेंगे? प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, नए वर्कर की इफिशियंसी। मेरे को तो एक बंदा 10 साल से काम कर रहा है, नया बंदा आया, काम दोनों ही 8 घंटे कर रहे, लेकिन इफिशियंसी क्या 100% होगी क्या? नहीं सर, दोनों कम ज़्यादा। मेरे को जो नए लोग आए हैं, ये नए बंदा है, इस पर क्या खर्च करना पड़ेगा? न्यू क्या? ट्रेनिंग कॉस्ट, इनको ट्रेन करने के लिए कॉस्ट पे करना पड़ेगा, इनको मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे कि बाहर से ना चले जाए। उसके बाद में वो लोग खराब काम करेंगे तो मेरा क्वालिटी ख़राब होगा, और फिर रिक्रूटमेंट वगैरह की कॉस्ट, फिर ये फालतू का रिप्लेसमेंट कॉस्ट वगैरह दिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन दिया है, ये आप लोग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख कर रख लो, या तो अभी जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है आपका 2020 में उसमें आएगा, या तो नवंबर 2020 में आएगा, गारंटी बोलता है ये क्वेश्चन तो आएगा। लिख के दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आने के 99.99% चांसेस है। तो आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से कर रहे हो, पक्का समझना। मैनेजमेंट है बी आर लिमिटेड का, वरीड है उसके इंक्रीजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो से। तो उसने कुछ स्टेप लिया, पहले वो देखना चाहता है कि उसका कितना प्रॉफिट फॉरगन हुआ, मतलब कितना प्रॉफिट उसका छूट गया एज अ रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर इन द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर उसका सेल था कितना? 83,03,300। उसका पीवी रेशियो कितना था? 20% का, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल वर्क बाय द डायरेक्ट एम्प्लॉय कितने हैं? 4.45 लाख। इतने लाख का काम हुआ, 4,45,000 इतने आवर्स का काम हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ डिले बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट फिलिंग वैकेंसी ड्यू टू एम्प्लॉय टर्नओवर। 1 लाख पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स वर लॉस्ट, मतलब कि लेबर टर्नओवर को फिल करने के लिए उनका कितने आवर वेस्ट हो गए? 1 लाख वो वेस्ट हो गए। एक्चुअल डायरेक्ट एम्प्लॉय आवर्स इंक्लूडेड 30,000 आवर्स अट्रिब्यूटेड टू न्यू ट्रेनिंग रिक्रूट्स, आउट ऑफ व्हिच हाफ ऑफ द, यानी कि 4,45,000 में 30 घंटे ऐसे हैं जो ट्रेनिंग वगैरह में गए, जिसमें से 15,000 अनप्रोडक्टिव है उनको सिखाने में। तो एक्चुअल में कितना काम हुआ? सिर्फ 4,30,000। एक्चुअल में कितना काम हुआ? 4,30,000। उसके बाद में कॉस्ट, ये सारी की सारी एक्स्ट्रा की कॉस्ट उनको लगी। तो मेरे को बताना चाहते हैं कि उनको टोटल कितना लॉस हुआ। सर लॉस कितना हुआ यहाँ पे? 1 लाख घंटे का लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ? 1 लाख घंटों का लॉस हुआ, यानी कि 1 लाख घंटों में जितना कॉन्ट्रीब्यूशन वो कमा सकते थे, 1 लाख, आपको समझ में आता होगा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। 1 लाख घंटों में जितना वो कॉन्ट्रीब्यूशन कमा सकते थे, यहाँ पे प्रॉफिट की जगह कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा था तो भी अच्छा है, लेकिन मैं मान के चल रहा कि देर इज नो फिक्स कॉस्ट,
इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैं इस नहीं तो मैं निकाल ही नहीं सकता ये चीज को, ठीक है, ये लिख के रखना, देयर इज नो फिक्स कॉस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सर देखो लास्ट ईयर का डेटा दिया है और पीवी रेशो दिया हुआ है, उसने घंटे दे दिए, मेरे को निकालना है कि 1 लाख घंटों से मैम कितना कितना कंट्रीब्यूशन कमा सकता था। सर तो मैं क्या करूँगा, सर सबसे पहले मैं निकालता हूँ ये पिछले साल लास्ट ईयर का सेल कितना है 83, पीवी रेशो कितना है इतना, तो मैं इस साल भी मानता तो 83,03,300 इंटू 20% करो। चलो मैं सीधा आंसर पे ले जाता ना, बच्चों वाला क्वेश्चन है भी। सर एक्चुअल आप वर्क कितने थे, सर थोड़ा सा ये क्यों हैंग हो गया, आपको साइड का दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मुझे भी नहीं दिख रहा है, तो कुछ तो हुआ इसे, ये तो पूरे चले गया, एक सेकेंड रुकना। खुल रहा है खुल रहा है, होते रहता है ऐसा कभी कभी बड़े बड़े शहरों में। तो एक्चुअल आवा कितने 4,45,000, 15,000 अनप्रोडक्टिव थे, तो प्रोडक्टिव आवा कितने लिखे थे 4,30,000, पोटेंशियली लॉस कितने 1 लाख घंटे, तो मेरे को निकालना है कि सेल्स लॉस फॉर 1 लाख आवर्स। तो कैसे निकालूंगा सर, बात समझना, अगर या फिर ऐसा भी कर सकते हो, वो तो बहुत वाहियात तरीके से किया उसने, मैं कहता हूँ 1 लाख घंटे का लॉस हुआ, तो ये 1 लाख घंटे में आप कितनी सेल कर पाते, 1 लाख घंटे में आप कितनी सेल कर पाते, तो आपने 83,03,300 का सेल कितने घंटों में किया, 4,30,000 में किया, तो 1 लाख घंटे में कितना होता। या फिर ऐसा कर सकते कि अगर 83,03,300 का सेल अगर 4,30,000 आवर्स में होता है तो 1 लाख घंटों में कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको सेल मिल जाएंगी, ये सेल मिल गई, इस कितने की सेल हो जाती है 19,31,000 की सेल हो जाती, और इसमें से लेकिन सेल है तो मेरे को कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो इंटू पीवी रेशो करूंगा, तो इंटू 20% कितना आ गया मेरा 3,86,200। इतना मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस होता है, इतना मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस होता है, और मैंने मान के चल रहा हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी फिक्स कॉस्ट लगती नहीं है, उसके साथ में और कितना खर्चे, अब मेरे को सेटलमेंट कॉस्ट लगी ड्यू टू लिविंग, सही क्या होती है, सर कोई जा रहा है 50 साल काम करके तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो सेटलमेंट कॉस्ट, सर रिक्रूटमेंट नहीं लगाना था इसलिए एचआर बैठा है, इंटरव्यू डाले, एडवर्टीजमेंट करी, सिलेक्शन कॉस्ट, सब वो नए नए ट्रेनिंग करना पड़ते हैं, इधर से उधर भेजना पड़ता है, तो सिलेक्शन कॉस्ट, और फिर उनको क्या कराना पड़ता है ट्रेनिंग, तो सारी का सारा को ऐड कर दूंगा कितना रहा है 5 लाख, तो ये क्या हो जाएगा मेरा प्रॉफिट फॉरगॉन। और सर एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई नहीं है जो आप लोगों को लिखना चाहिए, ये वाली, देयर इज नो फिक्स, इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो फिक्स कॉस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मान लो कोई फिक्स कॉस्ट होती, मान लो कि 1 लाख होती, तो यहाँ पे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस था 3,86,200, माइनस करता 1 लाख, माइनस करता कितना 1 लाख, उतना मेरा प्रॉफिट फॉरगॉन हो जाता, बात समझ में आ रही। और सर जो फिक्स कॉस्ट है वो 1 लाख इनके लिए होनी चाहिए, यानी कि जो लॉस हुई 1 लाख घंटे, यानी जो 1 लाख घंटे लॉस हुए उसके लिए फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए। अगर मान लो क्वेश्चन में इन जनरल फिक्स कॉस्ट देता तो मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता सर, क्यों, क्योंकि पिछले बार 1 लाख घंटे नहीं हुए सर इसके चक्कर में, तो भी तो मेरे को फिक्स कॉस्ट लगेगी ना, फिक्स कॉस्ट क्या घंटों पे मैटर करती कि पीरियड कॉस्ट है भाई, तुम कुछ भी प्रोडक्शन करो तो भी फिक्स कॉस्ट तो लगनी ही थी। मैं कहता हूँ अगर कोई फिक्स कॉस्ट ये 1 लाख घंटों की वजह से लगती, कि मान लो कि मैं फूड वाले को फूड प्रोवाइड करता है, मेरा फूड वाला मेरे को क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, जितने लेबर रहते हैं, मैं कहता हूँ ये कुछ लेबर नहीं होंगे, 1 लाख घंटे लॉस हुए तो लेबर गए तो फिक्स कॉस्ट भी नहीं लगी, तो यहाँ पे माइनस हो सकती है, बस हमें तो भी आपको इतना एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगी, ये सारे क्वेश्चन आपके फाइनल लेवल के, अगर किसी को नहीं भी समझ में आया होगा तो इग्नोर मारना मेरी बातें, ये जो मैंने अभी बोली 10 मिनट पहले, पर तो भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम में डिट्टो सेम वर्डिंग के साथ में आ सकता है, बात समझ में आई। ये थोड़ा सा हैंग मार रहा है तो आपको लिखने नहीं मिलेगा क्योंकि आंसर ऑलरेडी वहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं ट्राई करता हूँ लाने का, पता नहीं क्या हो रहा है इसको आज, कुछ तो हुआ है। हाँ तो
सबका प्रॉफिट फॉरगोन इस तरीके से आ जाएगा। बात समझा? तो अपन ने अपना लेबर टर्नओवर का भी टॉपिक कंप्लीट कर चुका है अपना, सिर्फ अब एक ही टॉपिक बचा हुआ है ओवरटाइम का, जो अपन हाफली आधा घंटे का टॉपिक है वो खत्म कर देंगे तो अपना ये चैप्टर भी निपट जाएगा, ये चैप्टर भी अपना निपट जाएगा, पक्की बात। तो नीचे के क्वेश्चन आपके लिए सब कुछ होमवर्क रहेगा, याद रखना ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे नीचे के, आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा अब ओवर टाइम का, किस तरीके से ओवर टाइम होता है, फिर ये चैप्टर निपटाएंगे। फिर मैंने जो बजट के 5-6 क्वेश्चन छोड़ के रखे थे वो क्वेश्चन पहले करेंगे, ताकि आपको एक सुटेबल आइडिया मिल जाए कि किस तरह से बजट किया जाता है, किस तरीके से वो होगा। बाकी तो हो गया, ठीक है, चलिए, थैंक यू।